नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया की 3-4 अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि कुछ न्यूज़ अब फैल रही है कि पेकिंग वर्कर सऊदी में जा सकते हैं अगर कंपनी बुलाए तो। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कोविड अफवाहों के बारे में हम बात करेंगे। कैबिनेट ने कुछ नियम बनाए उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ने वीज़ा बढ़ा दिए, ये बहुत अच्छी बात है भाई। जी हाँ, कोरोना रिपोर्ट फेक न्यूज़ लेके जाते हैं दुबई में, सऊदी अरबिया में पकड़े गए, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे भाई। तो पूरी वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। सऊदी सरकार का बहुत अच्छी बात, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि समय समय पर आप लोगों के वीज़ा एक्सटेंड किए जा रहे हैं। जी हाँ, पहले आपको पता होगा भाई, जो लोग छुट्टी आए थे, जो कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे थे, कुछ देशों के लोग, उनमें अगर देशों की बात करें तो वियतनाम, दुबई, भारत, लेबनान, मिस्र, पाकिस्तान, जी हाँ, और ब्राज़ील, इथोपिया और दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ये जो देश हैं इनके ऊपर आपको पता है भाई फ्लाइट रिजेक्शन है, उसके फ्लाइटों का बैन किया हुआ है, यानी कोविड की वजह से फ़्लाइटें बंद हैं, जो काफ़ी टाइम से पिछले 1.5 साल से फ़्लाइटें बंद सऊदी सरकार ने करके रखा है। इन देशों के बहुत सारे देश जो पहले भी लोग आ रहे थे, अभी भी लोग छुट्टी आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से उनके वीज़ा एक्सपायर ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको एक्सटेंड करने का काम सऊदी सरकार कर रही है। आपको सबको पता होगा, पहले आपको पता है 31 अगस्त दी थी, 31 अगस्त के बाद में अभी एक दो दिन पहले की ये न्यूज़ है 30 सितंबर यानी एक महीना और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, यानी 30 सितंबर तक आपके वीज़ा एक्सटेंड कर दिए गए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा वीज़ा को एक्सटेंड करने का नहीं लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई कि कम से कम फ्लाइट तो बंद हैं लेकिन आप वीज़ा तो एक्सटेंड हो रहा है। हालांकि लोग थर्ड कंट्री वाया लोग जा रहे हैं, जैसे मालदीव से, अर्मेनिया से या फिर कतर से भी लोग जा रहे थे, तो भाई इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वी सरकार ने मालदीव को, अर्मेनिया को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि एक बूम चल रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से फिर वे आ रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी गवर्नमेंट तक पहुंच ही जाती है काफ़ी टाइम के, हो सकता है महीना दो महीना निकाल दें लेकिन पहुंच जाती है। इस वजह से उनको ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया, मालदीव को और अर्मेनिया को। तो अब जो लोग वहाँ बैठे हैं तो उनको दिक्कत आएगी दुबई जाने में। तो भाई जो अगर आप सऊदी के लिए वहाँ बैठे हैं या फिर आपको कोई बोलता है कि आप इन देशों के द्वारा 14 दिन रहकर फिर सऊदी चले जाओ, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हो सकता है सऊदी बैन कर दे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आगे अगर बात करें तो साथियों, कोरोना की रिपोर्ट, जी हाँ, एक बड़ा एक बूम सा चल रहा है, यानी बहुत सारे लोगों के आए दिन न्यूज़ निकलती है फेक न्यूज़। अब ये देखिए होता क्या है, जैसे बहरीन से सऊदी लोग जा रहे थे, जी हाँ, दो नागरिक थे बहरीन के, लोकल आदमी, यार उनको कहाँ ज़रूरत पड़ गई, कोरोना की रिपोर्ट लेके जा रहे थे, चेक बॉर्डर पे चेकिंग हुआ उनका, तो वो डॉक्यूमेंट देखे नकली थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, मैं दिखाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट नकली, उनके डॉक्यूमेंट जांच हुई तो दोनों नकली निकले। अब भाई उनका क्या होगा, उनको पकड़ लिया गया, पुलिस केस बना के, अब 1 साल की सज़ा कम से कम होगी, 1 साल से 10 साल का तक का प्रावधान है भाई, बड़े सख्त नियम आपको पता है सऊदी के। एक रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट के मामले में इंडिया में 15 दिन में जमानत हो जाती है, और 1 साल से 10 साल है, यानी 1 साल तो कम से कम मान के चलिए आप, 1 साल की गलती कितनी बड़ी बात है भाई, 10 साल तक, 1 साल से 10 साल के बीच में सजा हो सकती है। तो ऐसी रिस्क आपको भी नहीं लेनी है। रिपोर्ट आप जब भी लें सावधानी पूर्वक सही रिपोर्ट लें, हो सकता है आप सही ले रहे हो, कोई आपको फर्जी रिपोर्ट पकड़ा दे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ अगर पकड़े जाते हो तो वहाँ आप सफाई नहीं दे सकते, मैंने वहाँ से ली गलती, आपकी रिपोर्ट आपके नाम से फर्जी है तो आप गलत हो, सज़ा आपको होनी है, जेल आपको होनी है, तो इन चीज़ों की सावधानी रखने की सख्त ज़रूरत है आपको। जी हाँ, सऊदी कैबिनेट ने एक अभी एक नियम और बनाया है भाई। देखिए, व्यापार बिजनेस के नाम से आपको पता है सऊदी या कभी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा हो, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 400 BC किए बिना वो रहते नहीं हैं, उनके खून में हो जाता है यार, कि जब तक कुछ मिलावट नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, कोई फर्जी, कोई नकली, कोई फेक चीज़ें नहीं बेचेंगे, तब तक उनको मज़ा नहीं आता, चैन की नींद नहीं आती, यानी कुछ गलत करना है, और आपको पता है पाप का घड़ा कभी न कभी भर जाता है। तो अभी एक नियम सऊदी कैबिनेट ने बना दिया है कि जो लोग ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं, 420 लोग अगर करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 साल की सज़ा है, 5 मिलियन रियाल जुर्माना, सऊदी रियाल 5 मिलियन, भाई आप सोच ले कितना पैसा बनता है, मैं तो 0 नहीं लगा सकता, आप लगा लेना, 5 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना, 5 साल की सज़ा, जी हाँ, उसके बाद में लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट करके उनको उस कंट्री से निकाल देना, ये प्रोसेस, ये कानून बनाया है। अब भाई इतना भयंकर कानून होने के बावजूद भी अगर लोग गलती करते हैं तो उनको कोई ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। आगे भाई सऊदी सरकार ने एक नियम और बनाया, कोविड के मामले में कोई भी अफवाह नहीं चलेगी, आपके मोबाइल से, सोशल मीडिया से कोई गलत अफवाह फैला दी
एक साल से लेके 5 साल तक आपको जेल हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। कितना महंगा पड़ सकता है भाई। छोटी सी न्यूज़ आपके मोबाइल से, व्हाट्सएप से शेयर मीडिया में कहीं शेयर करती, वो गलत न्यूज़ है, कहीं ना कहीं कोई शिकायत हो गई, पकड़े गए, तो आपको 1 साल से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, भुगतनी पड़ सकती है। जी हाँ, तो बिल्कुल गलत काम ना करें। रिपोर्ट शेयर करने की ज़रूरत कहाँ है भाई, क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास न्यूज़ है, ये मैं दूसरों को शेयर कर दूँ। क्यों कर दें, क्या ज़रूरत है? जब तक आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिल जाए कि ये जेन्युइन रिपोर्ट है, तब तक गलत काम, ये न्यूज़ शेयर नहीं करना है, दिक्कत हो सकती है, फिर आप बच नहीं सकते। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप सबूत पहले देते हो, फिर आप गलत काम करते हो, क्राइम करते हो, फिर अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको मौका नहीं मिलता सोचने का, समझने का, सफाई देने का। आपके सोशल मीडिया से आगे गया इसका मतलब ये आपका सबूत है, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा, सीधी सीधी जेल जुर्माना होना है, तो बचने की ज़रूरत है। एक न्यूज़ अभी मार्केट में चल रही है, कुछ वेबसाइट पे लोग भाई फर्जी न्यूज़ चलाते रहते हैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ये फेक्ट बात है। एक न्यूज़ अभी आ रही है 15 अगस्त के बाद में कि भाई पैकिंग वर्कर जो सऊदी अरबिया में कंपनियां हैं जो माल का पैकिंग का काम करती हैं, जो खाद्य पदार्थ वगैरह जो कुछ भी हो सकता है, वो स्पेशल अगर कंपनी सरकार से रिक्वेस्ट करती है तो वो अपने वर्करों को सीधे बुला सकती है पाकिस्तान से, इंडिया से। जी हाँ, ऐसी एक न्यूज़ चल रही है, लोग धड़ल्ले से उसको देख रहे हैं, देख के खुश भी हो रहे हैं। उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और आपकी फ़्लाइट हो सकती है कंपनी से। तो भाई देखिए, ऐसी न्यूज़, आप एक बात बताइए, जब फ़्लाइटें सऊदी की ओपन होती है ना, तो भाई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर आती हैं, ट्विटर पर आती हैं, ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आ जाती हैं और सब जगह ये न्यूज़ फैल जाती है। तो भाई ये एक वेबसाइट ही ऐसी है कि उसी पे न्यूज़ चल रही है, बाकी कहीं कोई अता पता नहीं है, इतने बड़े बड़े अखबार हैं, कहीं कोई न्यूज़ नहीं आ रही, इसका मतलब न्यूज़ फेक है, शॉर्ट पर तरीके से बात करें तो। अब आप काफ़ी सारे लोग उस न्यूज़ के झांसे में आके कोई पैसा, कोई अपने डॉक्यूमेंट दे देते हो, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इन चीज़ों को सावधानी रखने की ज़रूरत है भाई, कि जब फ्लाइटें ओपन होती हैं तो तहलका मचेगा। सऊदी की, दुबई की फ़्लाइटें ओपन हुई, तहलका मचा ना, 3 अगस्त को शुरुआत करी थी, उससे पहले बम फट गया था, तो सऊदी की फ़्लाइट ओपन होगी तो ऐसा बम नहीं फूटेगा। तो इन चीज़ों को आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी बेवकूफ़ बना रहा है फेक न्यूज़ के माध्यम से, आप बेवकूफ़ बन के उनको बोलते हो, कहीं उसमें लिंक ऐसा आ सकता है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं कि हाँ आप हमें इतना पैसा डालिए, हम आपका काम करवा देते हैं और 5 दिन में फ़्लाइट करा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग खुश होके, यार लाखों लोग देखते हैं, तो क्या 10, 15, 20, 30, 50 आदमी उनको ऐसे नहीं दे सकते पैसा, आराम से दे देते हैं, ये लो जी पैसा हमारा, तो काम करवा दो, किसी को बताना मत, पहले हमें पहुंचा दो आप सऊदी। अब उनको नहीं पता कि सऊदी तुझे नहीं पहुंचाएगा, ये तुम्हें कर्ज के नीचे देगा, कर्ज तक पहुंचा देगा तुझे। तो ऐसी चीज़ों से सावधानी रखने की सख्त ज़रूरत है, बचें और दूसरों को भी बचाएं। बस ये 3-4 अपडेट नहीं आपके साथ शेयर करनी थी भाई। फ़्लाइटें देखिए सऊदी की अभी ओपन नहीं हुई हैं, बाकी इंडियन सरकार की कोशिश है, अगस्त, ये अगस्त का महीना टिक गया, अगस्त में आंकड़े सही हो गए, कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, आपको पता है पिछले कल की डेट में अगर बात करें 17 अगस्त की, 88 लाख एवरेज देखिए, 90 लाख पकड़ दो, 90 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन हुए हैं भाई इंडिया के अंदर, और आंकड़े कितने आए हैं 27,000, 26,000। तो ये बहुत सुकून देने वाली बातें हैं, यही बातें आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी। जी हाँ, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है और आंकड़े कम हो रहे हैं, 27,000 आंकड़े, इतना 135 करोड़ की आबादी में 27,000 आंकड़े कोई बड़ी बात नहीं, इतना सा भाई कोई बड़ी बात नहीं, इतना नॉर्मली चलता है। अगस्त अगर ऊपर वाले ने हम सब के सपोर्ट से अगस्त तक ये कंट्रोल रहा, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से फ़्लाइटें स्टार्ट हो जानी हैं। जी हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100% फ़्लाइटें स्टार्ट हो जानी। बस ये उम्मीद और आशा के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।